अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है आफ्टर गायनोशियम, दैट इज ओव्यूल। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से समझ के चलना, ये टॉपिक आपको फर्स्ट टाइम आ रहा है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओव्यूल। क्लियर, इसके स्ट्रक्चर और इसके पॉइंट्स पे काफी क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। व्हेन वी सी ओव्यूल, तो ओव्यूल का एक दूसरा टर्म है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दैट इज नोन एज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। अब अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो हमने माइक्रोस्पोरेंजियम बोला था एंथर को, क्लियर। एंथर में भी पॉलन साइट्स को हमने कहा था माइक्रोस्पोरेंजियम। सेम लाइक इन फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर जो मेगास्पोरेंजियम है दैट इज नोन एज ओव्यूल, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ओव्यूल इज कंसिडर्ड एज मेगास्पोरेंजियम, यानी आपने अभी जो कार्पल का स्ट्रक्चर पढ़ा उस कार्पल को हम बोलेंगे मेगास्पोरोफिल, क्लियर। तो मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं दे आर नोन एज मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम में बनेंगे मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल का मतलब समझ में आ गया, ओव्यूल एक इंटेग्यूमेंटेड स्ट्रक्चर है, क्लियर। इंडेहिशिएंट है यानी इसमें से जो स्ट्रक्चर है, जो एम्ब्रियो सैक है, फीमेल गैमेटोफाइट है या फिर जो एग सेल है वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, इंडेहिशिएंट मेगास्पोरेंजियम है क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, क्लियर हुआ ये पॉइंट। ओव्यूल की स्टडी करने के लिए हमें बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर स्टडी करना पड़ता है, तो लेट्स सी, हम पहले इसका डायग्राम देखते हैं उसके बाद में हम इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सो व्हेन वी सी दिस ओव्यूल, ओव्यूल जैसे अभी आपने कहा विच इज एन इंटेग्यूमेंटेड स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन ऑल स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा इन द सेंस दोज प्लांट Those who form seed, इसमें gymnosperm और angiosperm include होते हैं, तो ये integumentary structure है जो almost all spermatophytes में मिलता है, and then it converts into seed after fertilization. This is the definition of ovule, clear? तो ovule is an integumented structure which is found in all spermatophyta and that develops into seed after fertilization. तो this is the structure जिस ओव्यूल को हमें यहाँ पर स्टडी करना, व्हेन वी स्टडी द ओव्यूल, क्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की जब हम बात करते हैं तो वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स, क्लियर, दैट वी आर टेकिंग। द फर्स्ट वन स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूनिकल, फ्यूनिकल विच इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। अब आपको इस डायग्राम के अंदर जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एंड दैट इज दिस, दिस वन इज फ्यूनिकल। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है इसका काम है ओव्यूल को किससे कनेक्ट करके रखना, प्लासेंटा से, और इस फ्यूनिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वैस्कुलर टिश्यूज जिसकी वजह से ये कंटिन्यूस डेवलपिंग जो ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर है दैट वी विल स्टडी, तो ये वैस्कुलर टिश्यू उनको कंटिन्यूसली फूड एंड वाटर की सप्लाई करता है एंड दिस फूड एंड वाटर इट इज गेटिंग फ्रॉम प्लासेंटा। तो फ्रॉम प्लासेंटा फ्यूनिकल absorbs food and water with the help of vascular tissue and then it transfers to the main body of ovule. Clear hua? So that is the first structure which is known as funicle. Clear? Next is hilum. Clear? Hilum is a point of attachment अगर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की हम बात करते हैं तो दिस इज अ फ्यूनिकल, क्लियर। और ये इस पॉइंट पर आकर यहां से यहां तक ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है बॉडी ऑफ ओव्यूल, क्लियर। तो फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ ओव्यूल के बीच का ये जो जंक्शन है जिस पॉइंट के ऊपर फ्यूनिकल बॉडी ऑफ ओव्यूल से कनेक्ट होता है एंड दिस जंक्शन, दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज हिलम, क्लियर। आ गया पॉइंट समझ में, तो हिलम इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो अटैचमेंट किस किस के बीच में, तो अटैचमेंट बिटवीन फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल, क्लियर। तो दैट्स द सेकंड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज हिलम। नेक्स्ट इज द थर्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज रैफे।
रेफे की अगर हम बात करें, हमने देखा फ्यूनिकल जो है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हमने कहा हिलम। अब यहाँ पर से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखेंगे विच आई एम मेंशनिंग हियर। आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है कि फ्यूनिकल समटाइम्स जो होता है ना वो बहुत लंबी डिस्टेंस तक ओव्यूल के साथ कनेक्ट होता है और आपको एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो आपको यहाँ पर ये रेड कलर से इंडिकेट हो रहा है। तो रेफे यानी फ्यूनिकल जो है वो ओव्यूल और बॉडी से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक कनेक्ट होता है और उस पॉइंट ऑफ कनेक्शन पे वो रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। दिस रिज लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज रेफे विच आई एम मेंशनिंग हियर। आप अगर इसको यहाँ देखें तो दिस वन, दिस इज नोन एज रेफे। क्लियर? तो अभी हमने फ्यूनिकल ले लिया, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हिलम ले लिया और रिज लाइक स्ट्रक्चर रेफे ले लिया है। दैट सिग्निफाइज द अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू द ओव्यूल ऑफ द बॉडी फॉर अ डिस्टेंस टू फॉर्म अ रिज लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज रेफे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो फ्यूनिकल अटैचेस द बॉडी ऑफ ओव्यूल for distance to make a ridge-like structure. And this structure is known as rafe. Clear why your point? Okay. The next structure is nucellus. Nucellus is known as the body of ovule. Yani main tissue hai iska. Which is the cells है यहाँ पर, they all are parenchymatous cells. इस डायग्राम में अगर हम देखने चाहें तो ये अंदर जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसको आप एक बार के लिए भूल जाएंगे। इसके चारों तरफ ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, this structure, this is known as nucleus, which is made up of parenchymatous cells. Clear? तो this one is nucellus. क्लियर? इस मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इस पर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी बनता है, दैट वी विल स्टडी। तो दैट इज नोन एज न्यूसेलस। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटैग्यूमेंट। इंटैग्यूमेंट मीन्स कवरिंग। तो इन दिस ओव्यूल वी कैन सी टू कवरिंग्स आर देयर। दिस वन इज आउटर इंटैग्यूमेंट and this is inner integument. यही integument seeds की फिर covering बनती है जिसको हम testa और tegument बोलते हैं। तो outer integument and inner integument, integuments का काम जो है वो protection provide करना है। जो अंदर new cellus tissue present है, जो parenchymatous cells का जो main mass of cells present है उसको ये protect करके रखती है, that is known as integument. तो अभी जो हमने structure पढ़ा, क्योंकि इसके अंदर आपको दो protective layer दिखाई दे रही है, that's why this type of ovule is known as bitegmic. Bitegmic ovule in which you will found two types of integuments, that is outer one and inner one. Clear? Next point is chalaza. जब हम चलाजा पॉइंट को इस डायग्राम में देखते हैं तो चलाजा पॉइंट, दिस एंड इज नोन एज चलाजल एंड, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं चलाजा। दिस इज द पॉइंट जहां से मेन जो इंटैग्यूमेंट्स है और जो फ्यूनिकल है वो अराइज होते हैं। सो चलाजा इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर फ्यूनिकल एंड इंटैग्यूमेंट्स अराइज। क्लियर? ये दिस पॉइंट, दिस वन इज चलाजा। क्लियर? चलाजा, दिस इज अ पॉइंट at which funicle and integuments arise. Clear? तो ये सारे पॉइंट्स आपको साथ साथ में लिखते जाने हैं और डायग्राम आपको पहले से ही ड्रॉ करके रखना है ताकि आप लेबलिंग उसको बहुत अच्छे से कर सके। तो दिस इज नोन एज चलाजल पॉइंट। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रोपाइल।
Micropyle, when you see in the diagram just opposite to the chalaza, at this point these integuments are absent. Clear? So the point where these integuments are absent, they form a pole-like structure, and that pole-like structure is known as micropyle. तो माइक्रोपाइल एंड चलाजा आपको ध्यान रखना है, दे आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. क्लियर? बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट्स हैं ये. तो माइक्रोपाइल एक ओपनिंग को फॉर्म करता है, द पॉइंट विच इज जस्ट अपोजिट टू द चलाजा वेयर इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट. And due to this absence, a pore-like structure is formed, and that pore is known as micropyle. अब last में आपको दिखाई देता है जिस structure की अभी हमने बात की थी, and the center most structure. Clear? This one. This center one. This center structure is known as embryosac, क्योंकि इसका structure हम बहुत detail में बाद में पढ़ने वाले हैं. It's very important. This is a female gametophyte. The centermost structure is known as embryosac. This embryosac को हम यहाँ पर ले लेते हैं. Embryosac which is located in nucellus. सो यू कैन सी कि आपको बिल्कुल सेंटर ऑफ न्यूसेलस में ये एम्ब्रियोसैक दिखाई देता है, और ये जो एम्ब्रियोसैक है ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट को. क्लियर? आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना. जितनी भी सेकेंडरी टर्म्स आ रही है दैट वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस सेशन ऑल्सो, कि हमने कहा था कि आपको जितनी भी डबल टर्म्स आ रही है आपको लिखते जाना है. जैसे हमने वहाँ पर मेल गैमेटोफाइट की बात जब की थी, तो मेल गैमेटोफाइट एक मैच्योर पॉलन है जो या तो टू सेल्ड हो सकता है या फिर थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर हो सकता है, थ्री न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो सकता है, उसको हमने कहा था मेल गैमेटोफाइट. क्लियर? जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन. और हेयर एम्ब्रियोसैक को हमने कहा है फीमेल गैमेटोफाइट विच इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ न्यूसेलस. तो दिस embryosac represents female gametophyte. Clear? So this is the structure of ovule in which we have studied the different segments of ovule. Clear? Why a point?